गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों आज है 1 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे सैटरडे और संडे की करंट अफेयर्स को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक ओवरव्यू के साथ में। ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम आज के स्पेशल डे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट है उसके बारे में बात करेंगे। मिसाइल पार्क बनाया गया अग्निप्रस्थ नाम से, उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है उसके बारे में बात करेंगे। एमपी गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है उसकी भी बात करेंगे। और वाडा ने किरणजीत कौर नाम से अपने डिस्टेंस रनर प्लेयर है उनके उनके ऊपर बैन लगा दिया उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ अपॉइंटमेंट और क्विक न्यूज है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हमारी सबसे पहले स्पेशल डे के बारे में जानते हैं। 31 मई 2020 दोस्तों 31 मई 2020 को मनाया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे और ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जो टोबैको से बीमारियां होती है इसके जो डेंजर्स है उनसे निपटने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और जो कंपनियां बिजनेस कर रही है यूथ को मैनिपुलेट कर रही है स्मोक करने के लिए, उन सब के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 1987 में इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाना शुरू किया गया था। और इसका मेन मोटो जो डेथ होती है टोबैको के कारण और जो इसके कारण डिजीज होती है उन सबको प्रिवेंट करना इनका मेन मोटो है। अगर हम बात करें कुछ की फैक्टर की तो आधे से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, मतलब जो स्मोक करते हैं या टोबैको की यूज़ करते हैं उसमें 50% यूजर्स की डेथ हो जाती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा की बात करें तो हर साल 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों की डेथ होती है, जिसमें से 7 मिलियन लोग वो है जो डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं और 1.2 मिलियन वो है जो इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि जो परोक्ष धूम्रपान अपन बोलते हैं ना वो वाला जो इनडायरेक्ट होता है, अगर कोई स्मोक कर रहे हैं तो हम उसके पास खड़े हैं तो 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग बिना स्मोक किए बस परोक्ष धूम्रपान के कारण मरते हैं। अगर हम बात करें तो 80% यानी कि 1.3 बिलियन पीपल जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लो इनकम कंट्रीज होती है या मिडिल इनकम कंट्रीज होती है वहाँ पे टोबैको यूजर्स बहुत ज़्यादा है। एक बार बात करें कि कैसे मैनिपुलेट करती है कंपनियाँ, जो बड़े बड़े ये टोबैको ब्रांड्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, ये यूथ को मैनिपुलेट कर रही है टोबैको निकोटीन यूज़ करने के लिए। अगर हम बात करें कि ये कैसे मैनिपुलेट करती है तो दोस्तों ये 3 तरीकों से करती है। एक तो जो स्मोकलेस टोबैको होती है जैसे कि शीशा या ई सिगरेट, और जो फ्लेवर ऐड करके इनको बनाया जाता है ताकि यूथ और चिल्ड्रन लोग आसानी से इसको कैच कर लेते हैं। फिर अगर बात करें तो इसका प्रमोशन किया जाता है प्रोडक्ट का, कोई यूथ अफेयर्स होते हैं, कोई यंग पीपल के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है सिगरेट्स की, इनके फ्री सैंपल्स बांटे जाते हैं ताकि यूथ इससे कनेक्ट हो जाए और सिगरेट स्मोकिंग की लत लग जाती है उनको। अगर हम बात करें तीसरा तरीका तो ये एडवर्टाइजिंग करते हैं प्रोडक्ट की मूवीज़ में, टीवी शो में और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हीरो को सिगरेट पकड़ा दी जाती है ताकि वो बंदा स्टर्ड लगे और फिर ये यूथ इससे बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। तो दोस्तों अगर जितना जल्दी हो सके इससे जागरूक होकर सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों आज के दिन यानी कि 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यूएन के द्वारा मनाया जाता है और ये 2012 से शुरू हुआ। दोस्तों इसको मनाने का मेन मोटो है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं, अपने ज़िंदगी का बहुत सा अहम टाइम होता है वो निकालते हैं अपने बच्चों के लिए, उन सबको ऑनर करने के लिए, उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए ये शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसके हिसाब से जीडीपी का एस्टीमेट किया जाए तो 4.2% आया है इस साल का एवरेज, जो कि पिछले 11 सालों में सबसे लो डेटा है। अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो फोर्थ क्वार्टर का डेटा है जो कि 3.1% है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये 5.7% था सेम पीरियड में लास्ट ईयर। और दोस्तों इस डेटा के कारण अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें तो ये 1 लाख से भी कम हो जाती है पर कैपिटा इनकम। एक बार दोस्तों और डेटा की तरफ हम ध्यान दें जो कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने निकाला है,
तो जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों सब सेक्टर का डाउन हुआ है, और ये दोस्तों फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 20 का है, यानी कि दोस्तों ये जनवरी से मार्च तक का है, जब तक कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था। लॉकडाउन से पहले की बात करें तो लॉकडाउन से पहले दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग की बात करें, यानी कि पिछले साल 2019 के अप्रैल की बात करें, तो ये 7.1 था, जो कि गिर के 3.1 जीडीपी हो गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो 3.8 से 5.9 हुआ है, यानी कि दोस्तों अपनी जीडीपी को सिर्फ इसने बचाया एग्रीकल्चर ने। और दोस्तों बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, आप देख रहे हो, देखो पिछले 11 सालों में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, 4.2 बहुत ही लोएस्ट डेटा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, आगे बात करेंगे दोस्तों। एक मिसाइल पार्क बनाया गया है अग्निप्रस्थ नाम से INS कलिंगा में। INS कलिंगा की बात करें तो एक ये नेवल बेस है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये अग्निप्रस्थ नाम से ये जो बनाया गया है, ये पार्क डेडिकेट किया जाएगा इसके बनने के बाद में, जो ऑफिसर्स सेलर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ था INS कलिंगा का उसको। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है, जो कि माइग्रेंट्स रिटर्न हुआ है, यानी कि दोस्तों जो उत्तराखंड के लोग थे और बाहर काम कर रहे थे, जो माइग्रेंट के रूप में बाहर काम कर रहे थे और अभी जो COVID-19 के कारण घर पे लौटे हैं, उन सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना में जो माइग्रेंट वर्कर है उन सबके स्किल्स को एनकरेज किया जाएगा, और जो अनस्किल्ड जो लेबर है, हैंडीक्राफ्ट है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उन सबको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं उनको जॉब दी जाएगी और उनको स्टेबल किया जाएगा उसी राज्य में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों को। दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, और सभी गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बात करें, देखिए MP गवर्नमेंट ने भी यही रोजगार सेतु नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक रोजगार सेतु नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, जो भी माइग्रेंट वर्कर आए हैं COVID-19 के कारण MP लौटकर, उन सभी को MP में ही रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, हमारे राज्यसभा मेंबर जो MP थे वीरेंद्र कुमार, उनका निधन हो गया। ये केरला से MP थे MP वीरेंद्र कुमार, और LJD के लीडर थे, लोकतांत्रिक जनता दल के, और ये राइटर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। एक बार देखें तो इन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर भी काम कर रखा है इन्होंने, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ दोस्तों, अगली न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोस्तों किरणजीत कौर नाम से अपने जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी, इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। इनका एक अवार्ड जो कि इन्होंने लास्ट टाइम जीता था वो भी ले लिया जाएगा, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने टाटा स्किल कोलकाता से। दोस्तों एक बार बढ़ते हैं और वाडा के बारे में बात करते हैं। वाडा की बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, और इसका फॉर्मेशन हुआ 10 नवंबर 1999 को, और दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉन्ट्रियल है, यानी कि कनाडा में, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच है। की पीपल की बात करें तो विटोल्ड बंका इसके प्रेसिडेंट है, और दोस्तों ये ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंडर में काम करती है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ दोस्तों, कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई उसके बारे में बात करेंगे। वेंकटा रमणी सुमित्रन को दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर घोषित किया गया है इंडिगो का। दोस्तों इंडिगो की बात करें तो ये एयरलाइन सर्विस है, और 2006 में एस्टेब्लिश हुई, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में। वेंकटा रमणी सुमित्रन जी की बात करें तो ये 35 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं काम करने में, USA यूरोप एशिया के इंडस्ट्री लीडर रह चुके हैं, टेक्नोक्रेट एकेडमिक ऑथर, इन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। दोस्तों बढ़ते अगली न्यूज की तरफ दोस्तों, कुछ क्विक न्यूज़ेस है उनको देखते हैं। लिरिकिस्ट योगेश गौर जी का निधन हो गया दोस्तों। योगेश गौर जी की बात करें तो इन्होंने बहुत ही तगड़े तगड़े गाने लिखे थे, जैसे कि आपने सुना होगा आनंद मूवी का गाना दूर कहीं जब दिन ढल जाए,
और एक जिंदगी कैसी है पहेली, ये आनंद फिल्म के दो सुपरहिट गाने। इनके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया गया और बहुत अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत ही अच्छे राइटर थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके डायरेक्टर जनरल सर संदीप प्रधान का टेन्योर बढ़ा दिया गया है 2 साल के लिए। और दोस्तों एक बार जानते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की बात करें तो 1984 में हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो संदीप प्रधान जी है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आता है ये। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है रोहित शर्मा को खेल रत्न अवार्ड के लिए। अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है, ईशांत शर्मा, धवन और दीप्ति शर्मा को नॉमिनेट किया है अर्जुन अवार्ड के लिए। एक बार बात करेंगे बीसीसीआई के बारे में तो फॉर्मेशन हुआ 1928 को, और प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरव गांगुली जी है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो महिम वर्मा जी है। सेक्रेटरी अपने अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं। और मेंस कोच की बात करें तो रवि शास्त्री जी हैं, और विमेन कोच की बात करें तो डब्ल्यू वी रमन जी है। और फुल फॉर्म की बात करें बीसीसीआई की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें रोजर फेडरर को वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड एथलीट घोषित किया गया फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट लॉन्च की जिसमें कि रोजर फेडरर जो कि टेनिस स्टार है वो फर्स्ट प्लेस पे, और जो फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड नंबर पे, लियोनेल मेसी थर्ड पे और नेमार फोर्थ प्लेस पे। अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया की फर्स्ट रैंक और वर्ल्ड वाइड 66th रैंक मिली है विराट कोहली जी को। ये $26 मिलियन के साथ में 66वें स्थान पर है, और इन्होंने लास्ट ईयर जो स्थान था उससे 30 स्थान जंप करके आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी तरक्की है विराट कोहली जी के द्वारा। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। बेजान दारू वाला जी जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर है उनका निधन हो गया है। अगर बेजान दारू वाला जी की बात करें तो इनको सदी के टॉप 100 एस्ट्रोलॉजर्स में शामिल किया गया है। एक बुक में इनके बारे में लिखा हुआ है द मिलेनियम बुक ऑफ पोस्टरी जो कि हार्पर कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है, उसमें इनको 1000 साल के जो टॉप 100 एस्ट्रोलॉजर्स है उनमें से एक माना गया है। और अगर हम बात करें इनके द्वारा तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी अगर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की बात करें तो। ठीक है दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।